कहीं ना कहीं लाल किताब का पर्पस वहां पे फिर डिफीट हो जाता है। फिर वो एक क्या होता है, लाल किताब फिर एक टोटको की किताब कह के रह जाती है। अगर हम डिकोड नहीं कर सके कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट या ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमको पता चल जाए कि ये लाल किताब ऑथर ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई ये पेंडिंग कर्मा हो सकता है इस कंडीशन के थ्रू, तब हम डिकोड कर पाएंगे। अदरवाइज फिर ये यही रह जाएगा कि सिर्फ रेमेडीज की बुक है, टोटकों की बुक है, बस ये फिर थोड़ा सा मतलब जो होता है एक स्टिग्मा लग जाता है और कहीं ना कहीं इस वजह से समझ में नहीं आती। उसके बाद एक पॉइंट के बाद फिर ये समझ में नहीं आती क्योंकि ग्रामर भी इसकी ना बहुत वास्ट है, ग्रामर बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, और अगर ग्रामर समझ लिया हमने तो हमें पेंडिंग कर्मा निकालने में आसानी होगी। तो हम ग्रामर पे लगभग 3 से 4 क्लास करेंगे और फिर हम धीरे धीरे क्या होगा, हर प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें वो ग्रामर वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उसमें वो लगाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट जितने मुझे आते हैं मैं आपको वो सब बताऊंगा जितना भी मुझे आता है, ठीक है। तो पेंडिंग कर्मा को अलग अलग अगर हम समझें तो पेंडिंग कर्मा का हम बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है, मेरे हिसाब से इसका जो मीनिंग हो सकता है पेंडिंग कर्मा का क्या मीनिंग हो सकता है, यू हैव टू पे बैक देयर इज समथिंग व्हिच इज अनफिनिश्ड वर्क और अ जॉब और समथिंग यू नो अ काइंड ऑफ अ सिन आइदर वी हैव कमिटेड और आर फोर फादर्स। तो एक उस रूप में समझा जा सकता है जो कि कर्ज के रूप में हमको वापस मिल जाता है वो नेक्स्ट लाइफ में, और एक ये हो जाता है कि हमने कोई काम करना था मगर वो हमने किया नहीं, हमने कोई प्रॉमिस किया था हमने वो किया नहीं, तो वो बदल जाता है डेट्स में, यानी कि उधार में जिसे बोलते हैं। यानी जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि जब हम होम लोन लेते हैं और लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऐसी डिटेल भी भरवाई जाती है फॉर्म में कि आप यू आर अ मेन बोरोवर, बट उसके अलावा एक को बोरोवर का भी फील्ड होता है कि आप उस फील्ड को भी फुलफिल करें, उसकी भी डिटेल दें, क्योंकि अगर कल को अगर आप वो नहीं दे सके, मेन बोरोवर नहीं दे सका वो जो कर्ज लिया है, तो कोई तो घर में देगा, किसी को तो घर में देना पड़ेगा वो ऋण। तो सेम कॉन्सेप्ट पेंडिंग कर्मा में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर हमारे फोर फादर्स ने कुछ ऐसा कार्य किया जाने अनजाने और वो प्रॉमिस था, अगर वो उन्होंने फुलफिल नहीं किया तो आने वाली जनरेशन को करना पड़ता है वो, और अगर इवन उन्होंने कोई पाप किया और वो उसको पूरा नहीं उसको वो मतलब कहते हैं ना उस पनिशमेंट को नहीं उन्होंने पूरा कर पाए अपने रहते, तो फिर आने वाली जनरेशन करेगी। तो कहने का मतलब है ये किस रूप में हो सकता है, एक कर्ज के रूप में हो सकता है, एक किसी कर्ज के रूप में हो सकता है, उधार के रूप में, एक प्रॉमिस के रूप में हो सकता है, और ये आगे चलता चला जाता है। इसी को ही हम पेंडिंग कर्मा बोलते हैं, और यहीं पे हम इस कोर्स में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या पॉसिबल रीजन बनेंगे प्लैनेटरी प्लेसमेंट से कि हमको वो कंडीशन दिखाई दे कि यहाँ पे हमें ये कंडीशन दिख रही है, दिस इज द पेंडिंग कर्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट, और उसका कुछ निवारण किया जाए। तो जैसा मैंने लिखा है कि पेंडिंग कर्मा हो सकता है कि कोई पाप फोर फादर की साइड से या कोई पाप हमारी साइड से या कोई हमारा ऐसा प्रॉमिस जो हमने किया हो मगर हमने उसे फुलफिल नहीं किया हो, या ऐसा कोई प्रॉमिस हमारे फोर फादर ने किया हो और वो फुलफिल ना कर सके हो, तो वो आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी एनालॉजी थी इसकी कि बैंक लोन वाली, कि बैंक का लोन लिया मगर वो लोन चुकाया नहीं गया, तो ऑफ कोर्स बैंक किसी को तो पकड़ेगी, तो फिर आने वाली जनरेशन उसकी भरपाई करती है। पेंडिंग कर्मा में जो भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छी चीज है तो वो भी आने वाली जनरेशन को मिलेगी और अगर कुछ भी बुरा है तो वो भी आने वाली जनरेशन को मिलेगी। तो इसमें भगवान ने बाइफरकेशन ऐसा नहीं किया है कि बुरा किया है तो तभी आने वाली जनरेशन को उसकी भरपाई करनी, अच्छा भी अगर कुछ अच्छा किया है
हमारे फोर फादर्स ने या हमने पिछले जन्म में किया है, तो उस अच्छे का फल भी हमको मिलेगा। और ये सारा स्टोर हाउस कहाँ होता है, ये सारा स्टोर हाउस होता है फिफ्थ हाउस में, संचित कर्मा के रूप में। जितने भी जन्म हमने लिए हैं वो सब का, कर्मों का जितना भी स्टोर हाउस है वो सब फिफ्थ हाउस में होता है, इसलिए उसे पूर्व बोलते हैं, पूर्व पुण्य के कर्म बोलते हैं, पिछले जीवन के कर्म बोलते हैं उसको। और यहीं से कुछ पोर्शन चला जाता है प्रारब्ध के रूप में, और वो प्रारब्ध हम अपने जीवन में चलाते हैं इस जीवन में, यानी हमको कुछ प्रारब्ध मिला है तो वो पोर्शन कहाँ से है, संचित कर्मा से कुछ पोर्शन भगवान ने दिया और बोला इस पोर्शन को आप इस जीवन में मतलब जीने को बोला कि इस पोर्शन को आप जिए, और कैसे आपका जो लाइफ में जो आप जिएंगे उसको कैसे आपको मैं जो कष्ट दूंगा या जो मैं आपको खुशी दूंगा तो उसका उसके एवज में आप जो रिएक्शन करेंगे तो उससे एक और कर्म का जन्म होगा, तो अगेन वो स्टोर हाउस फिफ्थ में जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइफ में ये साइकिल कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, तो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, इसका डीप मीनिंग, लिटरल मीनिंग समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, कि फिफ्थ हाउस संचित कर्मा है जो कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी दिखाता है। ठीक है, यानी सॉरी टू इंटरप्ट, तो सर पेंडिंग कर्मा ही संचित कर्मा आप कहना चाहते हैं कि जो हमारा पेंडिंग है वही हमारा संचित है? जो हमारा पेंडिंग है वही हमारा संचित है, यस करेक्ट। जो हमारा पेंडिंग है वही हमारा संचित कर्मा है, और बिल्कुल इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जितने भी हमने लाइफ में जन्म लिया वो सबका स्टोर हाउस फिफ्थ होता है। ठीक है, और अब होता क्लू क्या होता है कि जो हमारा प्रारब्ध आया है, जो हमको मिला है, जो हम नाइन्थ हाउस जिसको हम भाग्य बोलते हैं, है ना, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, जिसको हम प्रारब्ध डेस्टिनी बोलते हैं, अब जब हम इसको डीकोड करेंगे तो हम को सिर्फ पांच और नौ घर को ही नहीं लेना, यानी कि पांचवें घर और नौवें घर से ही नहीं इसका कनेक्शन, इसका ऑलमोस्ट हर घर से आएगा। जिस जिस घर में मैं आपको सिखाऊंगा उस घर से आप सीखेंगे कि कैसे उसका हमको पेंडिंग कर्मा दिख रहा है और उसका उपाय क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी कहीं पर हमें कुंडली में हमें पेंडिंग कर्मा दिख रहा है कि भाई ये सूर्य से रिलेटेड है, बृहस्पति से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड है, राहु से रिलेटेड है, केतु से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड है, तो क्या उसका प्रायश्चित उस अपराध या पाप का किया जा सकता है? कोई उसका करेक्शन है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डू to do some correction? तो वो ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसे क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो की जा सकती हैं? क्योंकि ये बात श्योर है कि जब आप किसी की कंसल्टेशन करेंगे, जब आप किसी का चार्ट देखेंगे, तो हर चीज जो मतलब जो भगवान ने कुंडली दी है किसी जातक को, तो उसमें हर अपराध की क्षमा नहीं है, मतलब बहुत हद तक आप जो है नहीं चेंज कर सकते, कर्म फल को आप चेंज नहीं कर सकते, डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसे कहीं कहीं चीजें आएंगी जहां पर आप बहुत हद तक जो है चीजों को बदल सकने की कोशिश कर सकते हो, क्लाइंट को बता सकते हो कि भाई आप ये करिए और मैं आपको वो बताऊंगा वो क्या कंडीशंस, क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। मगर अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछे तो जितनी भी कंडीशन है जहां पे मैं एक आपको रूल सिखाऊंगा, बताऊंगा कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो पॉसिबल नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। और इस बात पे आप ये अपना अपना मत होता है कि स्टूडेंट बोले कि नहीं सर हमने तो ये पढ़ा था कि यहाँ तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन की बात है, सिर्फ और सिर्फ ये मानने वाली बात है कि हाँ भाई भगवान है या नहीं है, तो इस पे कोई डिबेट वाला जब हो जाए तो फिर बात अलग है, मगर हम चेंज मेरा मत है कि हम कर सकते हैं। लाल किताब में कुछ रूल ऐसे आएंगे जो कि क्लियर कट बताएगा कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट मेरा मानना ऐसा है हम कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है चीज, अगर हम कुछ करें, हम प्रार्थना करें, प्रेयर करें, कोई रेमेडी हमको पता है, हमें गुरुजन से मिली हुई है और हम कर सकते हैं, गुरु ने बोला है कि हम आप करिए, तो गुरु को कभी चैलेंज नहीं करिए, कर सकते हैं। अगर आप खुद के कोई गुरु हैं
और वो बताएं कि भाई ये समाधान ऐसे करें, तो फिर मतलब गुरु तो साक्षात भगवान ही है, तो अगर गुरु बोलते हैं कि करिए तो फिर गुरु को क्या चैलेंज करना, फिर तो आप करिए। किताब अलग कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए, मगर आप किसी के जब जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, जब आपके पास कोई चार्ट आएगा तो आपको पूरा ऐसा आपका फोकस ये होगा कि यार इस जातक का जीवन में थोड़ा सा सुधार अगर पॉसिबल है तो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात का एहसास है कि कुछ गलती हुई है जाने अनजाने, या वो किसी और के कर्म के फल को भुगत रहा है, और वो किसी और कोई नहीं, उनकी फैमिली में ही कोई हुआ होगा जो किसी ने ऐसा ऐसा कार्य किया होगा। तो अगर इस कन्विक्शन के साथ कोई आता है तो डेफिनेटली उसका समाधान भी आप दे सकते हैं, और वो समाधान जहां तक मैंने देखा है वो समाधान लग भी जाता है, लेट सवेर वो जो उपाय है वो लगते हैं। तो वो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वो जितने भी वो रूल्स हैं, तो क्योंकि सारा कोर्स उसी बारे में है, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा हम डिस्कशन करते ही रहेंगे जहां पे वो सारे रूल्स आएंगे एक एक करके, वो मैं सब बताऊंगा आपको कि क्या कंडीशन है, कहां पर चीजें चेंज हो सकती है, कहां पर नहीं हो सकती हैं, और जहां पर चेंज नहीं भी हो सकती हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरा अपना मत है, ये मैं खुद मानता हूं इस चीज को कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए, हम कर सकते हैं। अब जब बात करते हैं कि किसी भी कार्य को तीन भाग में, मतलब इसका जो है डिवीजन है, इसका बाइफरकेशन, यानी कि जो कर्म है उसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया, मतलब या तो आप कोई पाप करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी से करेंगे, या वाचिक रूप से करेंगे यानी बोलकर करेंगे, या मेंटल यानी सोच के करेंगे, तीन ही तरीके होते हैं, हम तीन तरीकों से ही कर्म करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे कि जब फिजिकल कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम, मतलब तो क्या ऐसी चीजें की होंगी हमने पिछले जीवन में, या हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या चीज की होगी जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, और अगर वाचिक भी बोलकर कर रहे हैं तो उसे कैसे देखें, तो वो भी देखेंगे, और मेंटल भी है अगर, यानी कि हम मन से यानी सोच रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हम एक कर्म ही एक नया पैदा करते हैं, जबकि मन से भी सोचते हैं तो वो भी एक नए कर्म को जन्म देते हैं। तो तीनों ही में कहीं ना कहीं इंटेंसिटी सबसे ज्यादा फिजिकल की है, सबसे ज्यादा 100 में से 100% इसकी इंटेंसिटी है, मतलब इसका कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कोई मतलब देयर इज नो एस्केपिंग आउट ऑफ इट, इससे बचना मुश्किल है। वाचिक की थोड़ी इंटेंसिटी कम है, और जो मन की बात करते हैं यानी मेंटल थिंकिंग की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी और भी कम है। मगर कहीं ना कहीं तीन तरीकों से हम कर्म करते हैं। अब कितने तरीके के डेट्स हो सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं जो कि एक जीवन में एक आम आदमी को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो हो सकता है एक कुंडली में आपको इन जो मैंने सैंपल आपको एक लिस्ट में आपको जो दिखा रहा हूं, इनमें से आपको दो दिख जाए, एक दिख जाए, तीन दिख जाए, इसे ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, बाय द वे इससे ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, एक कुंडली में इससे ज्यादा नहीं हो सकते एक कुंडली में, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं तो एक कुंडली में ज्यादा से ज्यादा 3 मिल सकते हैं आपको, बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो रहा तो 4 हो जाएंगे, मगर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 ही दिखाई देंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देंगे एक बारी के अंदर। सर जितने डेट्स होते होंगे उतना स्ट्रगल रहता होगा, राइट? जी जी, जितने डेट्स होंगे उतना स्ट्रगल हो जाएगा, और वो जो कुंडली होती है उसको एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं श्रापित कुंडली बोलते हैं। तो जो जिस कुंडली पे पूरी तरीके से कर्स होता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि विभाजन इसका कैसे है पेंडिंग कर्म का, एक तो डेट्स के रूप में और एक कर्स के रूप में। डेट्स मतलब ये कि हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ मांगा और उसको फुलफिल नहीं किया, या हमने कुछ मांगा और हमने फुलफिल नहीं किया, तब वो आने वाली जनरेशन या हमको वो भुगतना पड़ेगा,
अगर हमारे एंसेस्टर्स फोर फादर्स ने, हमारे दादा दादी ने, माता पिता ने कुछ मांगा कि भाई मेरी ये मुराद और मन्नत पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने किया नहीं, तो वो फिर वो आने वाली जनरेशन को भुगतान करना पड़ता है, तो वो एक टिपिकल डेट्स हो गए। जैसे किसी ने कहा मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा, माँ को मैं जो है तीर्थ यात्रा कराऊंगा, ठीक है, या मेरा कुछ प्रॉपर्टी में कुछ शेयर आएगा तो मैं अपने भाई को दूंगा, ठीक है, तो वो नहीं दिया, चीटिंग कर ली, ठीक है, वो नहीं किया, या गुरु को बोला कि गुरु मेरा ये काम अगर हो जाएगा, किसी ने अपने गुरु जिन को बोला कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ना यहाँ से मतलब जो है जहां पर भी आपका घर है उससे अच्छी जगह दिलवा दूंगा आपको, या इधर आपको यू नो एस्टैब्लिश करा दूंगा, या मैं आपको ये गिफ्ट दे दूंगा दक्षिणा स्वरूप। देखिए गुरु को गिफ्ट जैसी तो कोई बोलते हैं ना कि कोई मतलब आंका नहीं जा सकता, एक मतलब दक्षिणा ही दी जा सकती है, तो हो सकता है दक्षिणा ना दियो किसी ने और नेगोशिएशन किया हो, और नेगोशिएशन के बाद भी बहुत ही रो रो के रोला रोला के मतलब दिया, और गुरु की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और जनरली आए दिन ये मतलब आज के जीवन में तो कलयुग में तो मतलब सबसे ज्यादा चीटिंग आदमी माँ बाप के बाद गुरु से ही करता है, क्योंकि गुरु एक चलते फिरते हर हर जीव में है, हर जीव में है, चलते फिरते, क्योंकि क्या होता है ना हम हर जगह प्रॉमिस कर रहे होते हैं, हर जगह किसी न किसी चलते फिरते किसी न किसी से हम प्रॉमिस कर ही रहे होते हैं, और वो एक, और जब हम प्रॉमिस कर रहे होते हैं तो वो प्रॉमिस जब हम नहीं फुलफिल करते हैं तो फिर वो एक, वो जो डेट्स है वो एक कर्स का जन्म भी ले लेता है, और मैं कर्स की अभी आगे आपको और वेरिएशंस भी दिखाऊंगा कि वो क्या होते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि जिनके कुलदेवी कुलदेवता होते हैं तो वो भी ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि हम आज से एक साल बाद दो साल बाद आएंगे, अगर हमारा ये काम हो जाएगा या हमारे घर में बच्चा हो जाएगा तो हम जरूर आएंगे, या कोई बोलता है कि हम माता का जागरण कराएंगे तो ये भी सब उसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम ये वाली पूजा कराएंगे, या हम मुंडन कराएंगे तो हम उधर उस मंदिर में जाएंगे, तो जहां पर भी आपने प्रॉमिस कर दिया तो ये बात पक्की है कि, और ये गारंटी बता रहा हूं आपको, जब आपने कुदरत को प्रॉमिस कर दिया तो कुदरत आपको कभी चीटिंग नहीं करती है, कुदरत आपको दे देती है, बट जब आप नेचर को वापस पे बैक नहीं करते हो तो फिर बेसिकली आप क्या करते हो, उनको उनको नाराज कर देते हो। तो नेचर ऐसा नहीं है कि नेचर देखती नहीं है सुनती नहीं है, नेचर नेचर सब कुछ जानती है हमारे बारे में, सब कुछ जानती है, तो हम जब भी प्रॉमिस कर देते हैं ना कि आप हमारा ये काम कर दीजिए तो हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए तो मदर नेचर बोलते हैं, मदर अर्थ मदर नेचर, तो माता तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुन के आपका कार्य करे नहीं। आप कभी भी अजमा के देख लेना इस बात को कि आप बोलिए कि मेरा ये काम हो जाए और मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, आप विश्वास मानिए आप दिन भी दे देंगे तो उतने दिन में काम भी हो जाएगा, आप बोल के देख लीजिए कि मेरा इतने दिन के अंदर काम हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, आप बोल के देख लीजिए काम हो जाएगा, 100% बोल रहा हूं मैं आपको काम हो जाएगा। तो इसलिए कहीं कहीं पर भी बहुत ही सोच समझ के प्रॉमिस करना पड़ता है, एक बार प्रॉमिस कर दिया तो फिर आप देयर इज नो लुकिंग बैक, यू हैव टू फुलफिल, और बहुत सोच समझ के प्रॉमिस करना चाहिए, चाहे वो हमारे गुरुजन हो, चाहे वो हमारे घर में हमारे माता पिता हो, ठीक है, हमारे वो सिबलिंग्स हो, सबका कर्ज लाल किताब बताती है, यही इसकी खासियत है, यही इसकी खासियत है कि इतना वास्त है कि इतना डिटेल में जाकर भी बता देती है कि आप इतनी चीजें देख सकते हो, और 100% बताती है। बट जैसा मैंने कहा कि खुल के कहीं पर किसी ने भी ऐसा लिखा नहीं है, ऐसा कहीं पर किसी भी बुक में आप पाएंगे नहीं, ये आपको अपनी रिसर्च से पता चलेगा कि अच्छा ये मुझे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये कोड मुझे दिख रहा है, और ये रिपीटेटिव इस मुझे कुंडली में भी दिखाई दिया, तो जब आप बहुत बहुत ज्यादा कुंडली एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा। मगर इस कोर्स का उद्देश्य यही है कि हमने उन सब चीज को फिल्टर्ड करके बहुत सिंथेसाइज करके रखा है, तो वो चीजें जितनी मुझे आती है मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन से डेट्स ऐसे आप देख सकते हैं। एक बात फिर भी बताता हूं, लर्निंग एक जगह है मगर इंट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने इस पढ़ाई के साथ, इस विद्या के साथ जस्टिस किया और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो विश्वास मानिए कि इंट्यूशन आपकी काम करेगी, और जो आप बोल देंगे ना वो ही वाक सिद्धि हो जाएगी, जो आपने कह दिया क्लाइंट को कि आप ऐसा कर लीजिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा ऋण दिख रहा है,
तो ऋण बताए जरूरी नहीं है कि आप बताएं सामने वाले को अगर वो जब तक पूछे नहीं, मगर आपका जब इंट्यूशन बिल्कुल सही काम करेगी ना तो प्रकृति भी यानी नेचर भी आपका साथ देगी, क्योंकि एक समय पे ऐसा आ जाएगा आपको इतने इतने कॉम्बिनेशन से गुजरोगे आपको लगेगा कि हम कैसे देखें इसके अंदर, मगर वो एकदम से आपको लगेगा कि ये मुझे दिख रहा है ये ऋण है तो मैं इसका ये उपाय दे देता हूँ, तो ये काम करेगा इसके लिए। तो याद रखिएगा कि इंट्यूशन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, एक हद के बाद आपको किताबी नॉलेज से ऊपर जाना ही पड़ेगा, इस किताबी नॉलेज को आपको कहीं ना कहीं सहारा लेना बंद करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंट्यूशन का सहारा बहुत लेना पड़ेगा, बहुत बहुत। तो इसके साथ जस्टिस करिएगा, इस विद्या के साथ इसको खूब पढ़िएगा, और जितना मेहनत करेंगे उतना आपको ये हेल्प करेगी। अब इसके अंदर जो बहुत ज्यादा हीनियस, जिसको क्राइम बोलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम बोलते हैं, जघन्य अपराध बोलते हैं, या बोल दीजिए कि पाप बोलते हैं लिटरली अगर हम बोलें तो इसके अंदर किसी भी जानवर को मारना, अपने बूढ़े माँ बाप को मारना, किसी भी ओल्ड एजिड जो लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी करना, बदतमीजी से बोलना या उन्हें मारना, या अपने प्रीस्ट को, क्योंकि ऐसा अभी भी होता है और पहले भी होता था कि लोग गुरुजन की बेइज्जती करते थे, ऐसा मारते भी थे, और आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, लगभग पिछले साल की बात है एक ऐसा हुआ था, मगर अगर मुझे उस स्टेट का नाम याद नहीं है जिसमें बहुत सारे ऐसे साधु संतों के साथ ऐसा कार्य हुआ था। तो इस तरीके का कहने का मतलब यह है कि कार्य आज भी होता है और पहले भी होता था, कहीं ना कहीं वो बहुत ही जघन्य अपराध है, ऐसे पाप है, नहीं करने चाहिए। किसी का घर उजाड़ देना, चाहे वो कोई मतलब जीव जंतु ही हो या फिर हम जैसे कोई लोग हों, तो किसी का घर उजाड़ देना, किसी का, क्योंकि रिवेंज जब आ जाता है, रिवेंज की फीलिंग जब आ जाती है, जो कि हमने अभी ऊपर देखा, वो होता है जब हम मन से कोई कर्म करते हैं, जिसको मैंने बताया था अभी आपको मेंटल लेवल पे, तो रिवेंज सबसे पहले मन में जो पैदा होता है, उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फिजिकल फॉर्म में। तो हम इतना तक गिर सकते हैं कि हम, क्या होता है कि आउट ऑफ कॉम्पिटिशन भी, जेलिसी भी, हम नहीं चाहते कि अगर हमारे पास घर इतना बड़ा है तो हमसे ज्यादा किसी के पास बड़ा हो, हमारे पास एक कार है तो किसी के पास दो क्यों हो। तो यहीं से ये रिवेंज, ईर्ष्या, जो एक कुंडली में छठे घर को सब दिखाता है, रोग, ऋण, शत्रु और ईर्ष्या को जो दिखाता है वो छठे घर से आता है, वर्गो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से जो जघन्य अपराध है आप इस तरीके के उसमें भी आप देख सकते हो, वहां से भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, वहां से भी आपको क्लू मिलेगा, ठीक है। तो किसी की फसल उजाड़ देना बहुत कॉमन है, गाँव में होता है, ठीक है, और नवजात शिशु जो होते हैं, इसको फीटस बोलते हैं, गर्भ में मेल चाइल्ड की चाहत में, मतलब, तो उनको मरवाना, ठीक है। और किस, ये ब्रह्म हत्या दोष, ये सब के सब आप देख सकते हैं, ये सब के सब आप देख सकते हैं, ये सब आप अगर चाहें तो कुंडली में ये सब के सब आप देख सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, सबकी समझ में आएगा, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा जो मैं देख रहा हूं या मैं देख रही हूं वो सही है। और जब आपकी इंटेंशन क्लियर होगी ना ज्योतिष को प्रैक्टिस करते वक्त, तो भगवान आप भी आपका साथ देता है और वो आपको हिंट भी देगा कि इस कुंडली में ये वाला दोष दिख रहा है या ये वाला मुझे इस तरीके का कर्मा दिख रहा है, तो नेचर आपकी हेल्प करेगी अगर आपकी इंटेंशन साफ है ना, क्लियर है ना, और कोई चीटिंग नहीं है किसी के साथ, आपकी इंटेंशन नहीं है, तो वो भगवान भी आपका साथ देगा और आपको बताएगा भी खुद, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ इस बात को कि एक हद के बाद आपको जो बुकिश नॉलेज है उससे ऊपर थोड़ा उठना ही पड़ेगा आपको, और आपको खुद पता चलेगा कि ये जो मैंने देखा है करेक्ट है और इसके बेस पे मैं ये सोल्यूशन देने वाली हूँ, और ये क्लाइंट के काम भी आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ ये अगर जातक करता रहा तो इसको फायदा मिलेगा।
और जब हम इसको और डीप डाउन लेवल पे जाते हैं, क्योंकि कम से कम हजारों किस्म के कर्ज और डेट्स हो सकते हैं, उसमें से मैं कुछ जो मैंने मेन लिखे हैं यही आप कुंडली में देख लेंगे तो उतना भी काफी है। अब जिसमें तो एक और इसमें इन सब के कॉम्बिनेशंस रहेंगे, हाँ रहेंगे, करेक्ट, इनके रहेंगे, इनके 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 कॉम्बिनेशन रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा और सब इजी है, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको डिकोड करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे डिकोड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब और क्या क्या अपराध जैसे हो सकते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि यू नो एक्टिवेशन ऑफ कर्स और किसी भी तरीके का पेंडिंग कर्मा, जैसे मंदिर में चोरी करना, ठीक है, या मंदिर में ट्रेजरी जो 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 ट्रेजर जो ट्रेजरर होते हैं और उनका काम होता है कि भाई सारे पैसे को कलेक्ट करके रखना, तो क्या होता है कि ट्रेजर लोग भी कई बार उसमें हेरा फेरी कर लेते हैं, तो एक उस वो भी एक अपराध है, क्योंकि वो पैसा तो मंदिर का था, वो भगवान के नाम का था, तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके का अपराध, मंदिर की प्रॉपर्टी मतलब उसमें कुछ किसी भी तरीके का वेंडलिज्म कराना, मंदिर की प्रॉपर्टी को तोड़वाना, मंदिर का कोई कार्य बनने नहीं देना, क्योंकि होता है जब 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 ग्रुपिज्म हो जाए या कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ हो जाए कि एक मतलब एक ग्रुप बोले कि भैया बनना चाहिए, एक ग्रुप बोले या नहीं बनना चाहिए, तो उस चक्कर में क्या होता है, अच्छा बुरा और गलत सही तो समझ में कुछ नहीं आता, मगर उस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान किसका होता है, वो मतलब भगवान का ही होता है बेसिकली, उनका उनको आधा घर बना है तो आधा बनने नहीं दिया जाता, चार दीवारी डल गई मगर ऊपर छत नहीं बनी, ठीक है, और किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को हड़पना, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे वो अपने भाई बहनों की हो, माता पिता की हो, मंदिर में किसी भी जैसे दिया जल रहा है, दिए को बुझाना, ये भी एक बहुत बड़ा कर्स है, कोई भी स्कैम करना मंदिर से रिलेटेड, कोई मन्नत मांगना मंदिर में मगर उसको पूरा नहीं करना, इट विल आल्सो इनवाइट कर्स। और जो छोटे छोटे लेवल पे होता है जो हमको डे टू डे लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, जिनको हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जो है ऐसी चीजें ना करें, जैसे घर में कोई गेस्ट आए तो उनको पानी ना पूछना, ठीक है, और खाना नहीं पूछना इस तरीके से, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि ये तब काम आती हैं जब हमको जब मैं आपको रेमेडीज सिखाऊंगा और जिसका मैं नाम बोलता हूं कि अटोनमेंट ऑफ सिन, मतलब उस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए, तो इन छोटे छोटे प्रायश्चित करने से भी बहुत हद तक क्षमा मिल जाती है भगवान से, बहुत हद तक मिल जाती है, बहुत बहुत हद तक मिल जाती है, ये छोटे छोटे चीजों से कि घर में कोई आया तो उसको पानी पूछना, ठीक है, घर में कोई गेस्ट आया है तो आप पानी के साथ थोड़ा खाने के लिए भी कुछ रखें, घर में इवन कोई मान लीजिए डिलीवरी बॉय भी आया है तो आप उसे पानी तो पूछिए, गर्मी में कोई आया है तो कम से कम उसको पानी पूछिए कि कुछ चाहिए, तो छोटे छोटे इन तरीकों से भी आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि कैसे अटोनमेंट किया जाए उन उन अपराध का या पाप का, ठीक है। और क्या हो सकता है जिससे हम प्लैनेट अपने खराब करते हैं, कि किसी दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बैक बाइटिंग करना, बोलना किसी, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन इतना है कि एक जो व्यापार कर रहा है वो दूसरे व्यापार को जब वो देखता है, बिजनेस चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की बुराई करना, उनके बारे में लिखना बोलना, तो ये भी चीज गलत है बेसिकली, क्योंकि कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक बूमरैंग की तरह, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के बारे में बोलेंगे तो दूसरा आपके बारे में भी कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति बोलेगा ही बोलेगा, किसी के लिए फॉल्स विटनेस प्रोड्यूस करना, ठीक है, झूठी गवाही दिलवाना, ये भी उसी में आता है, उसी कैटेगरी में है, चीटिंग विद स्पाउस, नॉट डूइंग पितृ तर्पण और दान, जो अभी पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के लिए नहीं करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हैं हम इसको, ये भी एक पाप है, ये नहीं करना, ठीक है। और जितने भी जब हम
पेड़ों की बात करते हैं तो उसमें पीपल या बरगद के पेड़ को कटवाना, स्पेशली पीपल के पेड़ को कटवाना भी अपराध माना जाता है, अगर इंटेंशनली किया जाए तो। इंटेंशनली किया जाए कि ये पेड़ तो मतलब यहाँ पे मुझे कटवाना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मान लिया आपकी प्रॉपर्टी वो है भी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी से दूर है, फिर भी आपको ये लग रहा है कि कहीं कहीं कुछ और है, तो आपने उसको कटवा दिया अपने किसी पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए कटवा दिया, तो ये भी सही नहीं है। अपने कुल पुरोहित को चेंज करना, ठीक है, और वही अपने कुल पुरोहित को दक्षिणा नहीं देना, डिसरिस्पेक्ट करना गुरुओं की, अपने टीचर्स की, तो ये भी इन्हीं अपराधों की लिस्ट में शामिल होता है। तो कम से मतलब लगभग हम कम से कम 40-50 की ये जो एक लिस्ट है, इसी के अंदर हमको बहुत कुछ मिल जाता है। इस 40-55 लिस्ट के अंदर हमको पता चल जाता है कि कुंडली में कौन सा दोष है, और यही इस लिस्ट के ऊपर ऐसा कुछ है नहीं। कुछ होगा तो अगर जब भी कोई हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे तो अगर इससे ऊपर कुछ होगा तो डेफिनेटली वो मैं आपको बताता चलूंगा। वो अब पेंडिंग कर्मा को कैसे देखा जाए कुंडली के अंदर, तो ऑब्वियसली कुछ प्लैनेटरी प्लेसमेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं वो बताऊंगा, और क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे दृष्टि एक कारण हो सकता है, ऐसे और भी कारण बन सकते हैं जिससे हमको वो प्लैनेट दिखाई देगा कि या तो वो बहुत ही पीड़ित अवस्था में होगा, या हमको दिखाई देगा कि वो मतलब मैलिफिक होके ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ पे वो हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। एक होता है पीड़ित होना, तो पीड़ित है मतलब हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, जैसे शुक्र पीड़ित है तो हमें शुक्र से रिलेटेड हमको जीवन में सुख नहीं मिल रहा, ठीक है। मगर अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट होके बहुत ही पावरफुल पोजिशन में बैठा है, तो एक प्लैनेट कई बार बहुत कुंडली को गवर्न कर देता है, पूरी कुंडली को गवर्न कर लेता है, और वो कुंडली पे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो आगे उस पे आने वाली दशाओं पर भी वो उसको एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है। मतलब 8 प्लैनेट एक तरफ और एक प्लैनेट की प्लेसमेंट ऐसी इतनी गंदी हो रखी है उसके अंदर, इतनी खराब है कि वो उभरने नहीं देता, चाहे वो दशा किसी की भी चले, जब तक उसके उसका उपाय ना कर लिया जाए। और ऐसे क्या तरीके हैं जब हम एक्टिवेशन ऑफ कर्स को देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या निशानियां हैं, एक्टिवेशन देखने के तरीके क्या हैं, कब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, उसकी निशानियां क्या क्या हो सकती हैं, जो कि आपको एडवांस में आप क्लाइंट को बता सकते हैं, और आप इवन व्हेन यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट देन ऑल्सो यू कैन आस्क, आप तब पूछ सकते हैं वो निशानियां जो मैं आपको बताऊंगा कि आप वो पूछने, क्योंकि आपको आपको क्या करना है, आपको नैरो डाउन करना है क्वेश्चंस अपने पूछ कर कि ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है, क्या ये गुरु से रिलेटेड है, शुक्र से रिलेटेड है, क्या ये शनि से रिलेटेड है, राहु से रिलेटेड है, तो जब आप वो फिल्टर डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इससे रिलेटेड है, इसलिए मुझे रेमेडी ये वाली देनी है, क्योंकि आप सारी रेमेडी तो नहीं दे सकते, इतना तो कोई कर भी नहीं पाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा रेमेडी दे दी उपाय के तौर पर कि भाई इससे किसी का भला हो, मगर आप खुद श्योर नहीं है कि ये प्लैनेट किसकी वजह से खराब है, तो कहीं ना कहीं फिर वो अच्छे तरीके से, यानी कुंडली शोधन नहीं हुए है, वो डायग्नोस प्रॉब्लम अच्छे से नहीं हुआ है वो, तो हमको इस कोर्स के थ्रू करना ही क्या है, हमको डायग्नोस अच्छे से करना है, हमको समझना है कि ये वाली प्रॉब्लम है। और आप जब भी लाल किताब के बारे में आपने किसी भी किताब में पढ़ा होगा, इवन सेम वैदिक ज्योतिष में भी, तो उसमें हर जगह बताते हैं कि अगर ये प्लैनेट अच्छा है तो इसके ये निशानियां हैं, अगर ये बुरा है तो ये निशानियां, तो हम वो कोशिश करेंगे हम वो दोनों ही पढ़ें, जहां जहां पर मैं आपको पेंडिंग कर्मा सिखाऊंगा, जहां जहां पे वो रूल्स हैं, तो आप पूछेंगे क्लाइंट से कि आपको इस अपने जीवन में, जीवन के इस क्षेत्र में आपका जीवन कैसा है, ऐसे फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्षेत्र खराब है, ये वाला अच्छा है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये प्लैनेट अच्छा होने के बावजूद भी इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है कोई प्लैनेट बहुत अच्छा, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि बहुत खराब पोजीशन में बैठा हो बट लकीली वो उसको खराब मतलब वो रिजल्ट ना दे रहा हो और वो प्रॉब्लम कहीं और से आ रही हो, तो हमको वो फोकस करना पड़ेगा उस एरिया में कि हम उसको वो वाला सोल्यूशन दें।
तो आप याद रखिएगा कि दो चीजें मैं आपको